समाचार विस्तार से बात करवामां आवे तो कोरोना काल में छठी बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश ने संबोधित करता गरीबों और जरूरतमंदों माटे मोटी जाहरात करी है। तेमणे जाहरात करी कि फ्री अनाज आपवानी योजना हवे आगामी 5 महीना सुधी जारी रहेशे। तेमणे कह्युं कि तहेवारों की सीजन आवी रही है, जरूरियात अने खर्च वधशे तेवामां सरकारे आ निर्णय कर्यो छे कि मफत अनाज आपवानी योजना जुलाई, ऑगस्ट, सप्टेम्बर, ऑक्टोबर अने नवेम्बर में पण लागू रहेशे। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक वन हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपये जमा हुए हैं कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी।